कॉन्फिडेंस पेट्रो अभी तो वीक दिख रहा है। आप इसका जो फॉल है, उसका जो चार्ट पैटर्न जो बन रही है, वो थोड़े से नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहा है। स्टॉक लगातार पिछले 4-6 महीने से एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है, और अभी भी जो आप देखो तो गिरावट थमती हुई नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि अभी और नीचे जाने की इसमें गुंजाइश है, और एक लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है। 50 रुपये का अभी एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर 50 को ब्रेक करता है तो फिर दूसरा लेवल इसके लिए करीब 38-40 के आसपास का रहेगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड वीक है, और इसमें बाइंग करने की या इसमें हाथ लगाने की सलाह नहीं रही। अगर मेरे पास पहले से है, ऊपरी लेवल्स पे है, करीब 67 के आसपास से खरीदारी है। मैं भी कोई देखो एक बाउंस बैक हो सकता है शायद, मैं भी समय रह रहा हूँ 58-59 तक के बाउंस बैक आ सकती है, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक में आपको अभी इमीडिएटली रिटर्न मिलने का ऐसा कोई इसमें चांसेस बन सकता है। तो ओवरऑल क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, तो किसी बाउंस बैक का है उसमें एग्जिट ही करना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव लग रहा है, तो इसलिए केवल बाउंस बैक में जितना आप कम से कम नुकसान के साथ में बाहर निकल पाए उतना अच्छा है। अदरवाइज मुनाफा होना या वापस आपके लेवल्स मिलना मुश्किल है। तो जो लेवल्स कह रहे हैं 59 के आसपास तक का, हो सकता है कोई बाउंस बैक मिल जाए किसी दिन, उस बाउंस बैक में निकल ही जाइएगा। ज्यादा उसके आगे का इंतजार मत करिएगा, ज्यादा कोई ज्यादा इंगित नहीं।